हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा मैं किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाली हूँ। और मैं आज बात करने वाली हूँ उन लड़कियों के लिए जिनकी होने वाली है शादी, या फिर हो चुकी है अभी शादी। सभी के लिए मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, शादी में सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है। शादी लड़की का लहंगा, लड़की के चूड़े और लड़की का सिंगार है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं वो होता है लहंगा और हाथों के चूड़ा, जो हाथों पे पहना हुआ चूड़ा होता है। वो चूड़ा लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल के बहुत करीब होता है, क्योंकि देखो लहंगा तो सभी पहन रहे हैं आजकल, है ना। कोई शादी वाला लहंगा भी पहन ले रहे हैं, लहंगा हर कोई पहन रहा है, अनमैरिड पहन रही है, सभी पहन रहे हैं। लेकिन चूड़ा सिर्फ शादी के बाद ही पहनती है लड़कियां। और चूड़ा अगर खास हो, थोड़ा स्पेशल हो, खास तो रहता ही है, लेकिन अगर वो स्पेशल हो, स्पेशल कैसे होगा, थोड़ा यूनिक इस टाइप का हो कि उस चूड़ों में आपके हस्बैंड समाए हुए हैं। समाए हुए का मतलब है कि उनका नाम उसमें समाया हो, तो फिर बात ही कुछ और है ना, चूड़े की तो बात ही कुछ और हो जाएगी। और इतना खूबसूरत लगेगा वो चूड़ा अगर आपके चूड़ों में आपके हस्बैंड का नाम हो, वो जब भी आप पहनोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका मन उन चूड़ों को बार बार पहनने का करेगा। ऐसा नहीं कि शादी के दिन पहना तो हो गया, नहीं, आप उसके बाद भी बहुत बार पहनने का आपका मन करेगा। तो ये देखो मैं दिखाने वाली हूँ आज ये चूड़े, ये है मेरी शादी। मैंने शादी में नहीं बनाए थे, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि चूड़ों पे नाम भी लिखा जाता है। मुझे ये बात बाद में पता चली, शादी के 2 साल बाद मेरे एक फ्रेंड ने अपनी शादी में अपने चूड़ों पे नाम लिखवाया था अपने हस्बैंड का। तो मैंने देखा, मैं बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छे लगे वो चूड़े। और अब तो इनका रेट बढ़ चुका है, उस टाइम पे आई थिंक मैंने 2000 में बनवाए थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे महंगाई का ज़माना बढ़ रहा है ना, तो रेट भी बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, फोकस नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली इस पे लिखा हुआ है हरीश, जो कि मेरे हस्बैंड का नाम है, देख सकते हो। मैंने उल्टा रख दिया था हरीश, आपको वहाँ से उल्टा दिखेगा हरीश। और उसके बाद यहाँ पे हार्ट है, हार्ट बना रखा। और ये है मेरा नाम मीता। तो ये देखो कितना प्यारा लगता है, इसमें फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरे में, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो, ये है मेरा नाम और यहाँ पे बना हुआ है हार्ट, और ये है मेरे हस्बैंड का नाम। तो मुझे ये चूड़ा इतना अच्छा लगता है, मैं इस चूड़े को बार बार पहनती हूँ, जब भी कोई भी फंक्शन होता है मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर अब सोचती हूँ कि काश मुझे उस टाइम पे पता होता, शादी के टाइम पे, तो मैं शादी के ही टाइम पे बनवा देती इनको, क्योंकि शादी की मेमोरियाँ ही कुछ और होती हैं, है ना, वो सबसे स्पेशल होता है। और हर लड़की के लिए वो दिन स्पेशल होता है, तो हर चीज़ उसकी स्पेशल होनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, मुझे लेट पता चली, लेकिन मैंने बना दिया, आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत सुंदर लगते, बहुत सुंदर। और जो सुहागन का गहना है ये चूड़ा, उसमें अगर आपके हस्बैंड का नाम हो तो फिर तो क्या बात है, आप देख सकते हो। दोनों चूड़ों को दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो, सिर्फ ये बीच वाले कंगन पे नाम लिखवाया है मोतियों से, क्रिस्टल से, मोतियाँ नहीं, क्रिस्टल से, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइए, ये चीज़ें बहुत स्पेशल होती है हर लड़की के लिए। और चूड़े तो आपको मार्केट से लेने ही पड़ते हैं, तो क्यों ना आप उसमें नाम भी लिखवा दें, 1000-2000 का फ़र्क होगा। जिनकी भी शादियां होने वाली है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइए, आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप जब भी पहनोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा आपका हस्बैंड आपके करीब है, आपके पास है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये देख सकते हो आप कितने प्यारे हैं, ये देखो, ये नाम दिख रहा होगा आपको, वहाँ उल्टा दिख रहा है,
लेकिन यहाँ सुलटा है, ये देख सकते हो मेरे साइड सुलटा है, ये नीता और बीच में हार्ट और ये हरीश, देख सकते हो आप दोनों, आप और आपका हस्बैंड आपके बिल्कुल पास है, ये देखो अच्छा लग रहा ना। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि जिनकी नई शादियाँ होने वाली हैं, कई लोगों को नॉलेज नहीं होता, कई लोग पता नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, बस बना देते हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी बाद में पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे पहले पता होता तो कितना अच्छा लगता। और सब लोग देखते हैं, बोलते दिखा दिखा तेरे उस पर नाम लिखा हुआ है, कहाँ से बनवाए, कहाँ से, मुझे भी बनवाने, तो बहुत अच्छा फील होता है। और अगर आपका हस्बैंड का नाम आपके साथ है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, आपके हाथ में, आपके दिल के पास आपका हस्बैंड है ना, नाम है, हस्बैंड है, एक ही बात है। और ये तो आप लोग ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।